नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों ने रस पूरा पी लिया, आज रस खत्म हो गया, कल से कुछ दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग गणित को भी आज पी लेते हैं, ताकि नल टंकी बंद हो जाए, कुछ गाड़ी मोटर चालू हो, दौड़ाई दौड़ावा हो, रेसिंग हो, बढ़िया मौसम आया है ना। अब आप लोग सबको मन कर रहा होगा लॉन्ग ड्राइव पे चलने का, तो चलिए लॉन्ग ड्राइव पे सब लोग निकलेंगे आज के बाद। आज अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकलेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि नल टंकी का मामला है, नल खुला छोड़ेंगे पानी भर जाएगा। श्री देवी का हाल आप सब जानते हैं, डूब के मर गई थी। तो आइए हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्षमता पर आधारित सवाल, जब हम बता दिए थे उस पर हमने लेक्चर को खत्म किया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो अंतिम होगा, और इस पर हम लोग कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो हम लोग पहले पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। अच्छे सवाल आज आपको मैं कराऊंगा। आज का जो हमारा टाइप है वो है टाइप नंबर एट। कंप्यूटर में होता है, जरा देख लीजिएगा, फ्रेम से बाहर तो नहीं। सही है सर जी, बच्चों को लाइट सही आ रही होगी? हाँ। अच्छा, चलिए देखिए सवाल क्या है। 3 पाइप किसी हौज कह लो, टंकी कह लो, नाद कह लो, किसी हौज को 6 घंटों में भरती है, 6 घंटों में भरती है, 3 घंटे बाद, नहीं 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नल सी को, नल तीन नल मतलब ये 20, नल सी को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बंद कर दिया जाता है तब ए और बी बाद के सात घंटों में ए और बी बाद के 7 घंटों में हौज को भर देते हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अकेले सी उसे कितनी देर में भरेगा, कितनी देर में भरेगा। देखिए अपना मकसद है सवाल एक्स्ट्रा सीखना। 2 तरीके से सवाल बनेगा। ये जो बना है वो ये चाहता है कि अकेले उसे कितनी देर में भरेगा, मतलब अकेले यदि हौज खाली हो तो कितने देर में भरेगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इतना भर जाने के बाद अगर ए और बी को ही बंद कर दिया जाए और कहे सी ही निपटाए तो भी यही बात होगी। या ऐसे कह सकता था कि ए और बी को 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे चलाने के बाद बंद कर दिया जाए तो शेष को वो कितने देर में भरेगा। ये 2-3 प्रकार के सवाल आपके सामने पूछी जा सकती है, और सभी के लगाने का सिंपल एक तरीका। आइए ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको जो पता है वो तो आप जानते हैं, जो नहीं पता है वो सीखें। अच्छा मेरे दोस्त, आप बताइए कि अगर तीनों नल ए बी और सी इसे भरें तो कुल 6 घंटे लगते हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, या ना। तीनों 2 घंटे के लिए तो चलाए गए, 2 घंटे के लिए चलाए गए, इसका मतलब कुल इसका जो भाग होगा भरने का वो 1 भाग होगा। 2 घंटे जब ये साथ में चलाए गए तो ये 2/6 भाग भरे, हाँ या ना।
तो दो इक्का दो तिहाई छह, इसका मतलब 1/3 भाग तो इन लोगों ने मिलकर के भर दिया। जो अभी भरने वाला भाग है मेरी सरकार, वो कितना भाग बचा हुआ है? 2/3 भाग बचा है। इसी 2/3 भाग को ए और बी कितने देर में भरते हैं बच्चा? 7 घंटे में। कितने घंटे में भरते हैं? 7 घंटे में। इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछूं ए और बी मिलकर उसे कितने घंटे में भर सकते हैं, तो याद होगा आपको मैंने भाग वाले सवाल में, अंश वाले सवाल में बताया था कि इसको उल्टा करके इसमें गुणा कर दिया करिए। तो यदि उल्टा करोगे तो बनेगा 3/2 और गुणा के लगाओगे 7, तो 7 * 21/2 घंटा में कितने में भरेगा? 21/2 घंटा में ए और बी मिलकर के भर सकते हैं। बोलो हाँ। तो हमने लिख दिया यहां पर ए और बी उसे मिलकर के 21/2 घंटा में भर सकते हैं। सवाल तो खत्म हो गई। अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, हमने इन दोनों का लसा निकाला मेरे सरकार, तो लसा आया 42 और इसका इसमें भाग दिया तो 6 * 7 = 42, इसका इसमें दिया तो आया 4। मेरे भैया ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में अगर 7 यूनिट भर सकते हैं और ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट अगर भर सकते हैं, 1 घंटे में 4 यूनिट भर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ कि अगर इन तीनों वाले में से ए बी का निकाल दो तो 1 घंटे में कितने यूनिट सी भरेगा पता चल जाएगा क्या? बोलो कितने देर में भरेगा पता चल जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ। और अगर यही पता चल जाता तो कितना काम करना हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कुल 7 यूनिट भरा जाता है और उसमें से 3 यूनिट अगर हम निकाल दें तो सी अकेले कितने यूनिट भरेगा 1 घंटे में? 3 यूनिट भरेगा। कितने यूनिट भरेगा? 3 यूनिट। भरना कुल कितना है? 42 यूनिट। तो सी अकेले उसे कितने में भरेगा? 14 * 42, तो कितने घंटे में भर देगा भैया? 14 घंटे में। सी अकेले उसे कितने देर में भरेगा? सी अकेले उसे 14 घंटों में भरेगा, 14 घंटों में भर देगा। बोलिए भैया समझ में आया सबको? एक बार मैं इसी बात को फिर से दोहराता हूं। क्या कहा? कि कह रहे हैं कि 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों पाइप अगर एक साथ खोले गए होते तो 6 घंटे में भरते। समझ में आ रहा है भाई? 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक के लिए तो तीनों को साथ में खोला गया, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद सी को बंद कर देने के बाद जो ए और बी बचा उसने 7 घंटे में भरा। तो हमको क्या निकालना पड़ा? हमने पूरा निकाला ये कि अगर पूरा भाग देखें तो 1 भाग होता है, उसके बाद अगर पूरा 1 भाग होता है तो 2 घंटे तक ये साथ में चले 6 वाले भाग को भरने के लिए, तो ये 2 घंटे में 1/3 भाग भरे क्या सब लोग मिलकर? तो बचा कितना शेष भाग? तो ये 2/3 भाग बचा, अर्थात 2/3 भाग भरते हैं कितने देर में? 7 घंटे में। इसका मतलब कुल कितना भरेंगे ये ए बी, तो हमने यहां से निकाल लिया। और यहां से निकाल के ए बी भरते हैं 21/2 घंटे में, ए बी सी भरते हैं 6 घंटे में, हमने वैल्यू निकाला और ये 7 यूनिट भरता था, ए बी को इसमें से निकाला तो सी बचा और 3 आया, तो 3 भरेगा 42 को कितने देर में भरेगा? हमने भाग दे दिया, आ गया 14, ठीक है। आइए एक दो सवाल और करते हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लें, इसे आप लोग नोट कर लें, फिर इसके बाद एक सवाल आपको और बताता हूं। आइए एक सवाल और आपके सामने पेश करता हूं। लिखिए भाई, आप सब लिखिए, लिखिए। यदि आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट स्टूडियो में विद योर ऑल द प्रॉब्लम्स, जैसे यहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप यहां से भी अपना कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, मास्क लगा के आना है, हैंड सैनिटाइजर लिए रहना है, खाना पीना का बंदोबस्त करके आना है, है ना। और उसके साथ भाई पैसा वैसा जो लगेगा वो तो आप जानते ही हैं, है ना। तो इतनी व्यवस्था हो पाए तो आप हमारे स्टूडियो से पढ़ सकते हैं और आनंद तो आएगा ही आएगा, मार भी यहां पर खाते हैं जैसा आप लोग जानते हैं। एक सवाल मैं और आपके सामने पेश करता हूं। मैंने लिखा 3 नल PQR एक टंकी में लगे हैं,
एक टंकी में लगे, तीन नल पी क्यू आर एक टंकी में लगे हैं, जो एक साथ उस हौज को 9 घंटों में 9 घंटों में भर सकते हैं, 9 घंटों में भर सकते हैं, परंतु 3 घंटे बाद नल क्यू को बंद कर दिया जाता है। तो बंद कर दिया जाता है तब पी तथा आर मिलकर उसे बाद के 12 घंटों में भर देते हैं। तो बताइए क्यों अकेले उसे कितनी देर में भर देगा। ठीक है, ये प्रश्न है मेरे सरकार। अगर हम लोग बात करें यहां पर तो पी क्यू और आर तीनों मिलकर 9 घंटे में भरते हैं। बाबूजी अगर हम लोग बंद करने के बाद देखें तो इसे पी तथा आर मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, 12 घंटे में पी तथा आर। आपसे बातें क्यों की हो रही है, तो अगर हम बच्चे यहां पर देखें कुल भाग हमारा एक है, सब लोग मिलकर के 9 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब 3/9 अगर हम बात करें 1/3 भाग भर दिया गया क्या, और कितना खाली बचा, तो आप कहेंगे सर 2/3 भाग। मेरे भैया 2/3 भाग भरता है कितने घंटों में, तो आप बताओगे 12 घंटों में। इसका मतलब अगर हम पी और आर से अकेले भरवाना चाहें तो ये 3/2 × 12 करेंगे तो 2 × 12 18 घंटों में ये अकेले भर लेंगे। आप बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया, तो ये भरेंगे 18 घंटे में। एलसीएम निकालोगे होगा 18 × 9 = 18 × 18 = 18। इसका मतलब अगर ये दो यूनिट में से मैं पी और आर की वैल्यू निकाल दूं तो केवल क्यू की बचेगी बच्चा, तो ये बचेगी 1 यूनिट। अगर हम 18 में भाग दे देंगे तो कितने घंटे का समय लग जाएगा आप मुझे बताओ। 18 घंटे में ये अकेले क्या करेगा, भर देगा। बोलो समझ में आई बात। एकदम क्लियर आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी चलिए एक प्रश्न आपके लिए मैं और लिख देता हूं, आप उसे खुद ही हल करके मुझे बताएं। मैं एक प्रश्न आपके लिए और लिख देता हूं, आप लोग हल करें। देखिए जब तक आप हल नहीं करेंगे मेरे कितना भी हल करवाने से सिखाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप सब अपने से प्रश्नों को हल करने की कोशिश क्या करो, और जब मैं सवाल लिखा करूं तभी आप हल कर लिया करो, और आंसर कमेंट पे कुछ बच्चे जैसे देते हैं तो आप सब भी कमेंट करते रहा करो। ठीक है, जैसे हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं ये कमेंट करते रहते हैं। इन सबको नियम दिया गया है कि इनको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना कलम चलाए लगाइए, नहीं आता है तो कलम चलाइए, ऐसे आप भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा कलम चलाता है उसे स्टूडियो से दूसरे दिन बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप सब भी ऐसी कोशिश करें। ठीक है चलिए एक सवाल आपके नाम।
देखिए आप लोग लिंक को शेयर कर दिया करो ना, आज तक की फ्री क्लास है, उसके बाद से फ्री क्लासेस ना भी रहे तो भी आप शेयर कर दिया करो। तीन नल एक्स वाई तथा जेड किसी टैंक को 12 घंटों में भर देते हैं। तीन घंटे बाद नल एक्स को बंद कर दिया जाता है। तो बाद के 18 घंटों में वाई तथा जेड उसे पूरा भर देते हैं। तो बताइए एक्स अकेले उसे कितनी देर में भर देगा। ठीक है, ये सवाल है आपके नाम, जल्दी से लगाएं बच्चों, ताकि मैं अगले टाइप की सवाल के लिए आपको बताना शुरू करूं। सब लोग शेयर कर दिया करें, बहुत टाइम आप लोगों ने ले लिया। आइए देखते हैं मेरे भैया, तीनों मिलकर 12 घंटे पे भरते हैं, 3 घंटे बाद बंद किया, 3 चौका 12 हुआ। अगर हम देखें तो सॉरी 3/12 हुआ, 3 का 3 चौका 12, 1/4 भाग भरे, 3/4 भाग खाली है, बोलो हाँ। और अगर इसे 4/3 करो तो ये भरता 18 घंटे में, 3×18 = 6, 4×24 बोलो हाँ, सही है कि नहीं। भैया x प्लस वाई प्लस जेड कितने देर में भरते हैं 12 में, अगर हमने कहा y और z तो आप कहेंगे 24 घंटे में, ये हुआ 24, 12 दुना 24 का 1 तो भरेंगे कितने में, 24 घंटों में, बोलो हाँ। समझ में आया सबको, क्लियर है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के सवाल पर। अगला टाइप का सवाल एकदम बेहतरीन है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से, ठीक है बच्चे। आइए अब टाइप चेंज करते हैं, 9वीं टाइप। आज भाई सुप्रिया द्विवेदी, नियति पांडे, क्या है नियति तिवारी मिश्रा, क्या है भैया ये सब, शिवम ये सब नहीं देख रहे हैं क्या? अगर हो तो जल्दी से हाजिरी लगाओ एक बार कि देख रहे हो आप सब। शिवानी गुप्ता, इशिका गुप्ता, इशिका जयसवाल, साक्षी पांडे, शिवम ठाकुर, जय, सब लोग देखो भाई, है ना। देखो सभी के बच्चों, अगर हम आपके नाम नहीं ले पाते हैं, कभी कभी नाम तो लेते रहते हैं, अगर नाम नहीं ले पाते, निधि सिंह जी हैं, आप सब भी हिंदी और मैथ दोनों क्लासेस ले रहे हैं बच्चों, जल्दी से आप लोग अच्छे से देखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस बढ़िया से आप सब पढ़ाई करो, ठीक है। अगर नाम मैं आप सबके नहीं बोल पाता हूँ तो घबराना करो कि सर हमारा नाम नहीं बोलते, ये हमको नहीं बोलते, सबका नाम है, सबको देखता रहता हूँ बच्चे, अगर कमेंट करता हूँ तो थोड़ी सी क्लास बाधित हो जाती, इसलिए हम बोलते नहीं है किसी का नाम, ठीक है। लगा है स्क्रीन, देख रहे हैं सब लोगों के, ठीक है। और बहुत बच्चे तो बहुत अच्छा आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, अब एक सवाल जो आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा मान लीजिए अगर हो जाता है कि जैसे मान लीजिए, पहले मैं सवाल लिखता हूं, पांडे नहीं
अंकित पांडे जी नहीं देख रहे हैं? कोई बात नहीं, अंकित पांडे जी कल कुछ कमेंट किए थे, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। साक्षी जी कुछ कह रही हैं। एक पंप किसी टंकी को, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भरता है, 2 घंटों में भरता है, 2 घंटों में भरता है। टंकी में पानी चूने से, टंकी का पानी चूने से भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। चूने से टंकी को भरने में भरने में 2.5 घंटे बोलेंगे तो सरल होगा, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को तो बताइए भरी हुई टंकी को छिद्र कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक, इसी को ऐसे भी कहा जा सकता था कि एक छेद होने के कारण या पानी चूने के कारण इसमें 1/3 घंटे अधिक लगते हैं तो कितनी देर में भर देगा, ऐसे भी सवाल सही पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है आपके सामने। मैं पहले 2 मेथड के बारे में बात करूं, एक तो फार्मूला बता दूंगा, आप सिंपल कर लोगे, तुरंत उच्चा मेथड है, उस पर बात नहीं करें, हम लोग अपने मेथड को समझते हैं। देखो, जो भरने वाला है बेटा वो 2 घंटे में भरता है, निकालने वाला जो चूने वाला है वो कितने में चूता हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि जो चीज नहीं पता उसे मान ले। तो भरने वाला कितने देर में भरता है, 2 घंटे में भरता है। और मान लिया कि निकालने वाला, निकालो मतलब छेद लिख देता हूं, छेद उसे कितने देर में खाली कर देगा, यक्स में, तो पूरा लासा कितना हुआ, 2x, ये करेंगे तो ये x, ये करेंगे 2। इसका मतलब जब भर रहा है x निकाल रहा है 2, भर रहा है x निकाल रहा है 2, तो इसका मतलब जो ये निकाल रहा है इसी के कारण जितना पानी भरा जा रहा वही तो है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, x माइनस 2, और ये कितनी भरेगा, 2x को भरेगा, तो 2x/x-2 भर रहा है, और उसमें कितना टाइम लगा, यही वाला टाइम लगा, तो इसी टाइम के बराबर कर दूंगा, 3 × 2 = 6, 7/3 के बराबर कर दिया, बस x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7x-14। अब इसको अगर हम इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले आए, तो 7x-6x = 14 और x बराबर कितना, 14 घंटा। तो ये x अकेले इसे कितने घंटे में चुवा सकता है, अर्थात कितने दिन में, कितने घंटे में पानी निकाल सकता है, तो आप कहेंगे 14 घंटे में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात? देखिए फिर से एक बार बोलता हूं, क्या कहा कि भरने वाले का पता है, भरने वाला 2 घंटे में भर सकता है, छेद जो है जो चू रहा है जिससे पानी, उसका कुछ आंकड़ा पता नहीं, हमने मान लिया भाई वो x घंटे में से चुवाते चुवा देगा पूरा, तो कुल कितना मैटर है जो भरा जाएगा या कितना मैटर है जिसे चुवाना है, जिसे निकालना है, तो हमने इसका दोनों का एलसीएम निकाला, 2x हुआ, 2 का इसमें भाग दिया बच्चे x बार गया, x का इसमें भाग दिया 2 बार गया। ठीक है, अब ये x तो इसमें भर रहा है और 2 इसमें से निकल जा रहा है, तो जितना बचेगा वही भरेगा, तो आपने कहा x-2 भरेगा। ठीक है, तो x-2 भरेगा तो इतने को ही भरना है, या x-2 निकालेगा तो इतने को ही निकालना है। भैया ये कहा गया है कि जब भरा गया टंकी तो 2 सही 1/3 घंटा लगा, इसका मतलब अगर इसमें से इसको इसका, सॉरी इसमें इसका भाग दे दूं तो कुल मिलाकर टाइम कितना लगेगा, बोलो। हाँ सही बात है, इसी को हल कर लूं तो मुझे निकालना किसका, छेद का, तो एक्स की वैल्यू निकालिए, आंसर आ गया। सही है, अब एक मेथड देखो इसे मिटा रहा हूं ना,
देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, जुगाड़ है, ऐसे समझो। भरने वाले का समय, भरने वाले का समय, मूंजवानी सवार लगाने के लिए ये सब बता रहा हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं, गुणे जो समय लगता है, चूने उने के बाद जो समय लगता है, समय कुल समय लिख देता हूं ना, कुल समय, और नीचे इन्हीं दोनों का अंतर, भरने वाले का समय और कुल समय, अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाना, बस और कुछ नहीं करना। देखो कितने सरल ढंग से सवाल आएगा, भरने के लिए लगा समय कितना, तो आप कहेंगे सर दो घंटा, हमने कहा दो घंटा, गुणे ये कुल समय जो ये है, तो सात दूना चौदह, तीन दूना छह, सात बटा तीन बटे, भरने वाले का समय कितना है भैया दो, माइनस कितना करोगे सात बटा तीन, याद रहे कभी भी माइनस में नहीं लिखना है, तो हमने लिखा सात दूना चौदह बटा तीन लिख दिया, बटे तीन दूना छह और सात में से छह गए एक बटा तीन, और ये तीन इस तीन से कट गया, डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, चौदह घंटा। बोलो तारा रन बोलोगे नहीं तुम लोग, ठीक है। अब देखो मैं आप सबके लिए इधर सवाल लिखता हूं, तब तक आप लोग उसे उतार लो, सवाल की भाषा में परिवर्तित कर करके लिखूंगा, ठीक। आप लोग घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि डर के आगे जीत है जजीरा, आप लोग जानते हैं, है ना। एक टंकी 9 घंटों में भर जाती है, 9 घंटों में भर जाती है, ठीक है। एक टंकी 9 घंटों में भर जाती है, परंतु इसकी पेंदी में छेद होने के कारण, छेद होने के कारण इसे भरने में, इसे भरने में एक घंटा अधिक लगता है। देखिए सवाल की भाषा खेल गया, एक घंटा अधिक लगता है, तो बताइए, तो बताइए तो बताइए यदि हौज पूरा भरा हो तो छेद कितने देर में खाली कर देगा। आपका आंसर आ जाना चाहिए, कमेंट हमें दिखने चाहिए, कितने देर में खाली कर देगा। मुझबानी सवाल आप लोग लगा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चलिए जल्दी से लगाइए, ट्रिकी मेथड लगाएंगे तो वैसे ही आपका सवाल आ गया होगा, है ना। हमारा तो आ गया, आप कहोगे सर आंसर रटे होंगे, आंसर रट के कई दिन काम चलेगा। जल्दी जल्दी बताओ, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, धड़ाक से दो आंसर। आइए देखते हैं। देखो ट्रिकी मेथड लगाओगे तो सीधा सीधा 9 घंटे लगते थे, एक घंटा अधिक लगा, इसका मतलब 10 घंटा लगा, और 10 माइनस 9 तो 10 नवाई 90 घंटा लगेगा, ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या कहा, भरने में कितना लगता है, भरने में लगता है 9 घंटा, छिद्र का पता नहीं, यक्ष मान लिया, ये हो गया 9 यक्ष, ये हो गया यक्ष और ये हुआ 9, दोनों का अंतर कितना हुआ यक्ष माइनस 9, भाग दे दिया 9 यक्ष में यक्ष माइनस 9, तो पूरा लगा कितना घंटा 10 घंटा, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 यक्ष बराबर 10 यक्ष,
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 90, इधर करेंगे तो x बराबर 10। सवाल बिल्कुल सरल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम सरल सरल चीजें मैं बताता ही हूं, बहुत कठिन चीज मैं खुद ही नहीं बताता आप सबको, ठीक है। अब इसी पर आप लोग सवाल और भी लगाइएगा, जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स आप सबके पास होंगी उन बुक्स में से आप लोग देख के लगाइएगा सवाल, ठीक है। अब इस चैप्टर का आखिरी टाइप आपको बताने जा रहा हूं, आखिरी टाइप मतलब दसवां टाइप। अब आप चाहो तो और भी टाइप बना सकते हो, प्रेमन से कौन वाला, जैसे कह दूं कि एक नल एक टंकी के 1/2 हिस्से को 5 घंटे में, ऐसा वाला बना सकते हो आप, अपने से बना सकते हो सवाल। अगर ऐसे कह दूं कि टंकी का इतना भाग भरा जाना है, जैसे 1/5, अभी सब मैं एक एक सवाल बता देता हूं, ठीक है। हाँ चलिए सवाल देख लीजिए, लिखता हूं। नल ए एक टंकी को 10 घंटों में तथा नल बी उसे 8 घंटों में भर देते हैं, 8 घंटों में भर देते हैं, दोनों को 7 में खोलने के बाद नल बी को 7 देर पहले बंद कर दें, कि टंकी 5 घंटे में भर जाए। यही सवाल है। ठीक, अच्छे चलो देखो, ए 10 घंटे में भर देता है, बी 8 घंटे में भर देता है, दोनों को एक साथ खोला गया, तो बी को कितने देर पहले बंद करना है कि 5 घंटे में भरे, इसका मतलब कुल टाइम ही 5 घंटा लगना चाहिए। तो ये ए वाला 5 घंटा चला होगा, ए और बी, ए वाला कितना घंटा चला होगा, 5 घंटा, ये 10 घंटे में भर सकता है, 5 घंटा चला होगा, ठीक है जी। बी वाला कितने देर में भर सकता है, 8 घंटा में, लेकिन चले कितना, 5 घंटा से कम चलना चाहिए, तो 5 घंटा से मान लीजिए हमने कहा यस घंटा पहले बंद कर दीजिए, और यदि ऐसा कर देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकल गई, आंसर आपका आपके सामने। इसका दोनों का अगर लस लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5 × 5 = 10, लस ले लेंगे 8 हो जाएगा, 2 × 8 ये हो गया 4, प्लस यहां से 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 − x = 1, 5 × 9 − x/8 = 1, इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 − x = 8, और इसे इस साइड से इस साइड लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा पहले ही यदि दूसरे नल को बंद कर दिया जाए तो ये आराम से 5 घंटे में हौज या टंकी आपकी क्या हो जाएगी, लबालब भर जाएगी। यही आपका सवाल है, इसे आप लोग एक बार लिख ले, मैं एक सवाल आप सबके लिए और लिख देता हूं इसी तरह का। एक टब को 1 नल
12 घंटों में तथा दूसरा नल पंद्रह घंटों में भर देता है। दोनों नल साथ में खोले जाते हैं। और 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया गया और 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया तो शेष टब को भी अकेले कितनी देर में भर देगा। ठीक है, कितनी देर में भर देगा, ये आपका प्रश्न है। इसे भी आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे सवाल हमने आपको बताए थे, आइए देख लेते हैं। ए और बी दो है, ए 12 घंटों में, बी 15 घंटों में। एलसीएम होगा 60, 15 चौका 60। ये दोनों जब चलते थे तो 9 भरते थे, कह रहे हैं कितने मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया। इसका मतलब 3 मिनट तक ये साथ में चले थे, 27 यूनिट भरे थे तो बचा कितना, 10 में 7 गए 3, यहां बचा 5 में से 2 गए 3, 33 यूनिट बचा। अब कह रहे हैं बी अकेले कितने देर में भरेगा, तो बी एक घंटे में कितने यूनिट भरता है, एक मिनट में कितने, अच्छा 3 घंटे तक है ये, ठीक है। तो ये एक घंटे में कितना भरता है, 4 यूनिट, तो अब 4 का भाग दे दीजिए, 4×8=32, 1/4 मिनट। ठीक है, ये आपके सवाल हो गए, आज हम लोग इतना तक सवाल रखें। अब देखिए इसमें कुछ और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आप सब जब प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, अभी मैं आपकी पीडीएफ आज अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, एक्चुअली लाइट बिजली की थोड़ी सी समस्या है, तो जैसे बिजली बन जाती है या थोड़ा सा लाइट मिल जाती है, आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है भैया, तो आज आप सबकी क्लास में यहीं तक रख पाऊंगा, अगले दिन से हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक जो हमारा होगा उसके बारे में हम आपको बता दें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो चैनल पर भेज दिया करिए, व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेज दिया करिए, आपके समस्या का समाधान वहां से कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं। अगला जो अभी हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया वो वर्क एंड टाइम कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर लिया। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो स्पीड एंड टाइम होगा। तो ये दोनों तो हमने कंप्लीट कर लिया, कल से जो हमारा चैप्टर चलेगा वो ये चलेगा, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो स्पीड एंड टाइम बच्चों हम लोग अगले दिन से सीखेंगे। तो आज आपका लेक्चर मैं थोड़ा जल्दी ही खत्म कर दे रहा हूं, 30-40 मिनट ही हो पाया होगा, 40-42 मिनट ही लेक्चर आपका हो पाया होगा। तो अगले दिन से जब हम लोग चलेंगे तो इसके आगे लेक्चर को लेकर के चलेंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा, अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।